कंट्रीब्यूशन जो है जितनी मेरी हैसियत है उसके मुताबिक तो मैं करती हूँ, ज़रूर करती हूँ। भैया जब कौम की खिदमत कर रहे हैं तो खुशी तो होनी है, अच्छी अच्छी फीलिंग होती है। पूरा यहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ था वो इन्होंने खाली किया, और आज फिर यहाँ पे जो रुका हुआ था पानी, माहद जीत इन सब ने मिल के सारा पानी ड्रेन करवा दिया। देखिए जी, ये एक जानसार जो हमने लकब दिया है उन सब लोगों को, मर्दों औरतों को, जो अपने घर बार, अपना ख़ानदान, अपनी फैमिलीज, ईद का त्यौहार छोड़ कर खान साहब की खातिर इधर आके जमान पाक में आके बैठ ही गए हैं। ये पैसे देते हुए लोग लेते हुए शर्माते हैं, आप देते हुए शर्मा रही हैं? नहीं नहीं, हम भी देते नहीं हैं, बस थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूट कर सकता है कोई अपनी हैसियत के मुताबिक, बस वही। क्या कहेंगे जो कहते हैं जी बाहर से फंडिंग आते हैं, $10,000 एक एक अकाउंट में आ रहे हैं? क्या कह सकते हैं इस पे, अल्लाह करे आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अजीत अल चौधरी और इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। आपको दिखाते हैं कि ईद के बाद, ईद की छुट्टियाँ आईं और ईद की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई, उसके बाद जो है यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। बारिशें भी हुई और अभी और भी बारिशों का सिलसिला जो है वो आना है, तो देखते हैं कि यहाँ पर कारकुनान जो है वो क्या तैयारियाँ कर रहे हैं और किस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो मसरूफ़ हैं। मेरे ख्याल से मिस फातिमा हैदर साहिबा ये कोई मीटिंग कर रही थी और हमने आके इनकी मीटिंग के अंदर खलल डाला, या कबाब में हड्डी बने या बुनी से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या, क्यों और कैसे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। तबीयत सेहत? अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलवेज स्माइलिंग फेस, व्हाई? भैया जब कौम की खिदमत कर रहे हैं तो खुशी तो होनी है, अच्छी फीलिंग होती है। ये कुछ देर पहले भी हम जब यहाँ से राउंड लगा रहे थे तो ये पानी यहाँ इकट्ठा किया हुआ था, बारिश का था या वैसे ही कोई जी स्विमिंग पूल बनाने का प्लान था? जब यहाँ बारिश होती है तो ये ग्राउंड है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन माशाल्लाह हमारे वॉलंटियर्स बड़ी तेज़ी से उसको इन्होंने अभी ठीक किया है। कल मजीद ने वो ड्रेन बंद था उसको खोल के, तो ये पूरा यहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ था वो इन्होंने खाली किया है, और आज फिर यहाँ पर जो रुका हुआ था पानी, माहद जीत इन सब ने मिल के सारा पानी ड्रेन करवा दिया। नाज़रीन, ये माहद साहब आपको याद होगा, हमने सहरी के वक्त इनका दरवाज़ा खड़काया, इनको तंग किया और इनसे सवालात किए जो लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई थी, तो इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उस वक्त तो ये आम शायरी लग रहे थे, लेकिन अब लगता है कि ये कारकुन बन गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कारकुन बन गए हैं या वैसे ही खान साहब से मोहब्बत बहुत है तो अपना घर छोड़ के इधर आप पानी भी निकाल रहे हैं? जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा आपको बताया था जब आप आए थे पूछने कि हम लोग तंग तो नहीं आए जो कुछ हो रहा है, तब भी मैंने कहा था हम तंग नहीं आए, हम खुश नसीब हैं कि हमें इस तरह लोगों के साथ रहने का, लोगों की हेल्प करने का मौका मिला। उसके अलावा एक और जो अच्छी चीज़ हुई है वो यही है कि जब हालात इस तरह के होते हैं कुछ लोग उभर के सामने आते हैं, उनमें से मिस फातिमा और इनकी टीम, इनको बहुत बड़ी ताली बजनी चाहिए। ये हमारे चाचा जी भी हमारे हीरो हैं, इन पे भी कैमरा जाना चाहिए। ये हीरोज़ की तरह काम करते हैं, बैठ के बातें नहीं करते, मशवरे नहीं देते, एकदम से एक्शन में आते हैं। ये वो ग्रुप इधर बैठा हुआ और मैं इनसे सीख रहा हूँ किस तरह ये लोगों की मदद करते हैं, कितने हेल्पफुल हैं, कितना सब्र है इनमें। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कई लोग बड़े बड़े लैंड क्रूजर्स, फ्लैक्सेस, ये वो आपको शायद अब नहीं नज़र आ रहे, ये लोग, मैं गवाही देता हूँ, मेरा घर है इधर, डे वन से चुपचाप विदाउट एनी अप्रिसिएशन ये लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा था ना, पानी खड़ा हुआ था, ये लोग खुद वाइपर्स दे रहे थे। तो ये लोग हीरोज़ हैं हमारी नेशन के। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इनको ऑब्ज़र्व करता हूँ। मैं ऑनर्ड हूँ अगर आप कहते हैं मैं आपके टीम का मेंबर हूँ, मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ, आपसे, आप सारों से हम सीख रहे हैं। और हमारे इरफान भाई हैं हमें सबसे लंबे कद के, और बहुत उनकी प्रेजेंस है, वो आज मिसिंग है, तो उनका मैं जिक्र और थैंक यू ज़रूर कहूँगा, सारों का ही थैंक यू कहूँगा, स्पेशली मिस फातिमा और इनकी टीम जाने साथ। नाज़रीन, फर्स्ट बिलियनेयर हम्बल शख्सियत मैम, इन्होंने आपकी तारीफ़ की और ये हमारी ऑब्जर्वेशन में भी है कि आप इंटरव्यू देने से कतराती हैं, सामने नहीं आती, और आपने जो आज कार्ड पहना हुआ है जानिसार का, ये जानिसार का क्या मतलब है और ये क्या कोई नया विंग बनाया है, इसकी क्या लॉजिक क्या है? देखिए जी, ये एक जानिसार जो हमने लकब दिया है उन सब लोगों को, मर्दों औरतों को, जो अपने घर बार, अपना ख़ानदान, अपनी फैमिलीज़, ईद का त्यौहार छोड़कर
خان صاحب کی خاطر ادھر آ کے زمان پاک میں آ کے بیٹھ ہی گئے ہیں اور وہ بیسکلی اپنے ملک اور قوم کو بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں. تو ہم نے ان کو ہم چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے ان کے بارے میں. جب وہ یہاں پر آئیں تو لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ ساری قربانی دینے کے لیے یہاں آئے ہیں. تو ہم نے اس کے لیے یہ جان نثار کا لقب انتخاب کیا ہے اور ہم منتخب کیا ہے اور اب ہم ان کو یہ کارڈز ایشو کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے یہاں ڈسٹرکٹ وائز ہم ان کو کارڈز ایشو کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جب وہ پہچانے جائیں کہ زمان پاک میں تو بہت لوگ آتے ہیں, کچھ لوگ تھوڑی دیر کچھ گھنٹوں کے لیے گھوم پھر کے چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ ریگولرلی آ رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو دوسرے ضلعوں سے آ کے رہ رہے ہیں. تو ہم ان سب کو ریکگنائز کرنے کے لیے ہم نے یہ آئیڈیا سوچا. اچھا میم, ایک سوال ہے تھوڑا تلخ قسم کا. ناقدین جو ہے اکثر وہ بات کرتے ہیں, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ان کو جواب مل سکے کہ یہ فنڈنگ کون کرتا ہے؟ افطاری سحری تو ٹھیک ہے, لوگوں نے اسلامی تہوار سمجھ کے لاکھوں روپے شاید اس سے بھی زیادہ لوگوں نے خرچ کیے اور دیے, تو یہ پرنٹنگ اور سارا کچھ ٹرانسپورٹیشن وغیرہ مس مارا کرتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. یہ پیسے دیتے ہوئے لوگ لیتے ہوئے شرماتے ہیں, آپ دیتے ہوئے شرما رہی ہیں؟ نہیں نہیں, ہم بھی دیتے نہیں ہیں, بس تھوڑا بہت جو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے کوئی اپنی حیثیت کے مطابق, بس وہی. کیا کہیں گے جو کہتے ہیں جی باہر سے فنڈنگ آتی ہے, $10,000 ایک ایک اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ؟ اللہ کرے آئے. کس کے اکاؤنٹ میں؟ آپ کے ان لوگوں کے؟ میرے اکاؤنٹ میں آئے تو وہ پی ٹی آئی کا ہی اکاؤنٹ ہوگا, تو ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں جائیں گے پھر وہ پیسے. ہم نے بانٹ نہیں ہوتے ہیں آگے, ان شاء اللہ ان کاموں پہ لگانے ہوتے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے ان کا, ان شاء اللہ. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ بہت دل کھول کے عطیات دے رہے ہیں اور میں جب یہ ہم لوگ سحری وغیرہ کا انتظام ہو رہا تھا تو میں نے صرف ایک گروپ میں ڈالا تھا کہ جی میں اس طرح کر رہی ہوں, تو اسی وقت مجھے 5 یا 6 لوگوں نے اپروچ کیا کہ ہم اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم نے کوئی بھی جب سلاد زدگان کی بات ہوئی ہے یا کبھی پاکستانی قوم کبھی پیچھے نہیں ہٹی, جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے اور آپ ان سے کہیں کہ اس میں مدد کریں تو لوگ خوشی سے. اور میں کہنے کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک بندہ کا نام نہیں لینا چاہیے, یہ ہماری قوم کے بے حد ہر کوئی اپنا ٹائم دے رہا ہے. اب نئی بھائی ہیں دیکھیے, اپنی پوری فیملی لے کر آتے ہیں, یہ ان کی وائف, ان کے 3 بچے روز ڈیوٹی دے رہے ہیں, روز اپنی گاڑی لے کر اپنا ٹائم نکال کر آتے ہیں, یہ کارڈ لوگوں میں بانٹتے ہیں, بڑی پیشنٹ سے بڑی سکون سے پرسکون طریقے سے ان کو آرگنائز کر کے لے کر آتے ہیں. پرنٹنگ میں ثنا ہیں, جس جو اپنے دیکھیں نا, کوئی اپنا اسمارٹ فون یوز کر رہا ہے, کوئی اپنا ڈیٹا یوز کر رہا ہے, کوئی ہر ڈفرینٹ, کوئی اپنا پیٹرول یوز کر رہا ہے ادھر آنے میں, تو ایک طرح سے ایک کولیبریٹو ایفرٹ ہے, یعنی یہ ایک پوری آرگینک ہے, جدوجہد ہے, آرگینک جدوجہد ہے, آرگینک فطری عمل ہے کہ کس طرح لوگ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. مجید اپنا, ان کا موبائل چوری ہو چکا ہے, یہ اتنی دیر سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, ہر قسم کی مشکلات. مجید آپ بی ایس سی اپنی ڈگری کا بتائیں, یہ انہوں نے بی بی اے کیا ہوا ہے اور مجید ہر قسم کی حالات میں یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. جمال 1 گھنٹہ دور یہاں سے رہتے ہیں, ان کو گھنٹہ لگتا ہے روز آنے میں, بٹ جمال کو بس پتہ چل جائے کہ ہم لوگ ادھر آ گئے ہیں وہ پہنچ جاتا ہے. سو اس طرح ہر ایک کی اپنی اپنی قربانی ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے. ثنا ہمارے سے ڈیفینس سے آتی ہیں, ہر دفعہ اپنا ٹائم نکال. ثنا ادھر آ جائے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں. اچھا مس, آپ کتنا فنڈ کرتی ہیں؟ ذرا سامنے دیکھ کے ناظرین کو بتائیں. سوری, کتنا فنڈ دیتی ہیں ناظرین؟ اب میں کنٹریبیوشن جو ہے جتنی میری حیثیت ہے اس کے مطابق تو میں کرتی ہوں, ضرور کرتی ہوں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواتین یہاں پہ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہیں, مرد حضرات بھی بہت زیادہ آتے ہیں, ان کو گھروں میں کوئی کام نہیں ہے؟ نہیں, ہم بتا دیں آپ لوگوں کو گھروں میں کام ہے کہ نہیں ہے. ہمارے گھر میں تو کیسے کرتے ہیں, ہمارے گھر میں ظاہر سی بات ہے اپنی اپنی جگہ, ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے, لیکن خان صاحب کے لیے بھائی جو ہم ٹائم نکال سکتے ہیں ہم نکالیں گے اور نکال بھی رہے ہیں,
तो उनको लगता है या तो फिर हमें कहीं से फंडिंग आ रही है, उनको तो नहीं पता ना कि भाई जज्बा भी कोई नाम की चीज़ होती है, जज्बा भी कोई नाम की चीज़ होती है, खलूस भी कोई चीज़ होती है, और ये भी नहीं पता कि भाई खान साहब के लिए जो मोहब्बत है वो भी कोई चीज़ होती है, वो चंद राशन के लिए, चंद बिरयानी के प्लेट्स के लिए, चंद हज़ारों के लिए तो नहीं आते ना हम लोग, हम जज्बे के लिए आते, बेत मुस्तकबिल के लिए आते। नाजरीन, जज्बा, मोहब्बत, जनून बढ़ के है बिरयानी और चंद हज़ारों से। मिस्टर जमाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंतहाई कमाल की शख्सियत हैं, बड़ा कम गो हैं, आज देखते हैं कि हम कितना बुलाने में कामयाब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? लगेज के आप सुने तबीयत से सबसे अच्छा। आप एक घंटे की ट्रैवलिंग करके यहाँ आते हैं, किस जज्बे के तहत आते हैं? यही जज्बा जो हर बंदे में पाया जाता है। अच्छा। जो भी पीटीआई वर्कर इधर आ रहे हैं उनमें मेरे से ज़्यादा बल्कि जज्बा है। अगर हमारे साथ ये टीम ना हो, फातिमा हैदर ना हो, ये नईम भाई ना हो, तो हम कभी चल ही नहीं सकते। अकेले बंदे का ये काम नहीं है, एक प्रॉपर टीम, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर लीडरशिप हमें चाहिए होती है, वो हमें प्रोवाइड ये लोग कर रहे हैं। हम इनके सुपरविजन में काम कर रहे हैं, अपना जज्बा सुपरविजन लीडरशिप के तहत हम काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल चोरी करवा लिया, आप क्या करवाना है? मोबाइल तो चोरी हो गया, अपने केयर करने चाहिए, क्योंकि वो एक कहावत बहुत मशहूर है, छोटे छोटे नवाज शरीफ हर जगह घूमते हैं, तो अपने केयर करने चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग आउट सिटीज़ आते हैं, तो माशाल्लाह फातिमा मैडम हेड कर रहे हो, हम सारे वॉलंटियर उसके साथ काम कर रहे हैं, नईम साहब पूरी फैमिली के साथ आ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम वर्क में बहुत मज़ा आ रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देयर इज़ अ टीम वर्क, देयर इज़ अ ड्रीम वर्क। अगर आप अपना ख्वाबों की तामील करना चाहते हैं तो आपको जो है वो टीम वर्क करना चाहिए, और ये जो टीम वर्क इस ड्रीम वर्क बड़ा पुराना कहावत है, और गोरे इसके ऊपर अमल करते हैं और तरक्की पाते हैं। हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी ये जुमला देखना चाहिए, अपनी ज़ाती काम को छोड़ के मुल्क कौम के लिए काम करना चाहिए, तो हम तरक्की कर सकते हैं। इसी का मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह।